और जहाँ तक मैंने देखा है चाइना हैज़ बीन बैडली अफेक्टेड बिकॉज चैनल और ये खाना मेरे लिए नहीं है कोको के लिए दैट इज चिकन कैरेट दूधी एंड पम्पकिन पम्पकिन इज़ वेरी गुड फॉर देम फाइबर होता है उसमें एंड थोड़ा राइस नाम के लिए है तो या वेलकम बैक टू द चैनल और आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्यों बताता हूँ ओके ऑनेस्टली बोलो मुझे इस टॉपिक पे व्लॉग बनाना ही था मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आप व्लॉग बनाओ इस पे लेकिन मुझे लगा कि ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है तो क्यों और उसके हम लोग ने उस कीचड़ में पैर रखे काफ़ी लोगों ने अपना अपना काम कर दिया अच्छे अच्छे व्लॉग बनाया अच्छे अच्छे रोस्टिंग की है तो हम क्यों उसके बीच में पड़े और हम क्यों अपना ये यू नो उसमें अपना योगदान दें क्योंकि मेरा वो जॉनरा है ही नहीं बट अभी जब देख रहा हूँ ना तब बहुत दिल दुख रहा है ये जो चक्कर चल रहा है ना यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉकर्स ये वो आई नो किस्सा ख़त्म हो गया आई नो आई एम लेट टू जंप इन बट अब जबकि ऐप डिलीट हो गया है बाय द वे इट वाज अ गुड थिंग तो भी इनके अकड़ गई नहीं है मतलब सी आई डोंट वांट टू रोस्ट एनीबॉडी इन पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब टू टिकटॉक का ऐप ख़राब है या उसके लोग ख़राब है हाँ हो ये रहा है कि ऐप इज़ गुड उसका भी अपना एक रीच है लेकिन उस पर जो कॉन्टेंट है जो कॉन्टेंट क्रिएटर है उसमें से आई गेस हार्डली 10% है जो जेन्युइन है जो अच्छा कुछ कंटेंट बना रहे हैं बाकी के जो है ना कुछ भी कर रहे हैं मतलब किसी भी हद तक जा रहे हैं किसी भी लिमिट को पार कर रहे हैं और अब जो टिकटॉक बंद हो गया है तो लोग कह रहे हैं कि अरे ऐप को बंद करने से चाइना को क्या मुँह तोड़ जवाब देंगे देखो यार चाइना को क्या जवाब मिलेगा वो हम नहीं जानते गवर्नमेंट ने कुछ सोच के ही डिसीजन लिया होगा ऐसे 10% डिसीजन लिया नहीं है या उनकी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं कि आप जाके गवर्नमेंट को मॉक कर रहे हो कि उनको ये ऐप बंद करने से क्या फ़ायदा हुआ जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक मैंने देखा है चाइना हैज़ बीन बैडली अफेक्टेड बिकॉज 60-70% ऐप का डाउनलोड इंडिया से था ऐप का यूसेज इंडिया से था तो कहीं ना कहीं उनको वहीं मारा है जहाँ उनको चोट लगनी चाहिए जो भी हो रहा है टिकटॉक के साथ हो रहे तो आई मीन बैन हो गया अच्छी बात है काफ़ी कुछ अच्छा होगा लोगों का ध्यान अच्छे कामों में जाएगा मतलब कुछ ढंग का काम में जाएगा लेकिन इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा जो टिकटॉकर्स उनको रोस्ट मत करो यार बेचारे जो जेन्युइन है उनको अब रोस्ट करोगे डिप्रेशन में जाएंगे और कुछ उल्टा पुल्टा कर लेंगे बिकॉज आज की जनरेशन का कुछ भरोसा नहीं है कुछ भी कर सकते हैं सो बेटर नॉट टू रोस्ट देम एंड बेटर नॉट टू डीमोटिवेट देम थोड़ा मोटिवेट करो एंड उनको सपोर्ट करो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आए मैं तो कहीं अपना तो है ही नहीं कुछ अपना तो सी आपस में जितने भी गिने चुने लोग हैं अपने अब उनसे कांटेक्ट में रहते हैं बाकी सब तो पता नहीं क्यों हमारी वीडियोस देखते नहीं देखते तो भी शायद पसंद नहीं करते तो जो भी है आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग बाकी आपकी मर्जी पसंद है तो लाइक करो नहीं आए तो डिसलाइक करो जैसा भी आप चाहो बट कुछ ना कुछ तो करो आई कैच यू टुमारो दैट अमेजिंग पार्सल दैट आई हैव एंड होपफुली वो चले बिकॉज कभी कभी अमेजोन से कुछ मंगाने में डर भी लगता है सो या ये बाल देखो यार कैसे हो गए इतने बड़े हो गए कि अजीब सा हो गया बाल अभी हुआ ये था कि मैं खुश था कि जब लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल गया था मेरा जो सलून वाला है वो आ गया था बॉम्बे मैंने वो बोला कि मैं करा लेता तो घर पे आके आई वाज ओके विथ हिम कमिंग होम बट अभी फिर से जब लॉकडाउन लग गया एंड एसेंशियल वालों को ही अलाउड है अनफॉर्चुनेटली दिस डज नॉट कम्स एसेंशियल तो ये भी बंद है तो ये भी रह गया